हेलो दोस्तों, मैं आयुष दुबे स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डॉग पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं, ये वीडियो प्रॉपर पग की डिलीवरी का है और इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा कि आपको अपनी फीमेल डॉग की डिलीवरी कैसे करानी है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और आपको कैसे उससे डील करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, जब आपकी फीमेल डॉग पपी डिलीवर करने वाली हो तो आपको प्रॉपर एक वेल्पिंग एरिया बनानी पड़ेगी। आप अपने घर के किसी भी कोने में वेल्पिंग एरिया बना सकते हैं। आप उसकी फ्लोरिंग में कार्डबोर्ड रख दीजिए ताकि जब बच्चे डिलीवर्ड करें तो आपकी फ्लोरिंग गंदी ना हो, क्योंकि ब्लड डिस्चार्ज होता है। और आप छोटी सी एरिया को भी वेल्पिंग बॉक्स बनाइए जिसको आप प्रॉपर उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। आप उस एरिया में या उस कमरे में एक 100 वाट का बल्ब लगा सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप उसमें एक हीटर भी लगा सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। आपको अपनी फीमेल को प्रॉपर स्ट्रेस फ्री रखना है इनिशियल स्टेज में, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। फीमेल फोर्स कर रही है बच्चे के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वेट करना है, वो अपने आप नॉर्मल पपी डिलीवर कर देगी, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। फीमेल डॉग ने पपी डिलीवर किया है। जैसे ही पपी डिलीवर हो जाए आपको इमिजिएटली पपी को उठा लेना है। और एक बात को आपका गौर करना पड़ेगा कि आपकी फीमेल जो पपी के साथ सेक आता है प्लेसेंटा, उसे खाए मत, उसको आपको दूर रखना है। आपको सबसे पहले पपी का माउथ को और नोज़ को कॉटन से या कॉटन क्लॉथ से साफ कर लेना है। प्रॉपर आप उसकी नोज़ और माउथ को साफ कर लीजिए। इन केस अगर उसमें पानी चला गया है बच्चे के, तो आप उसको उल्टा करके रब कर सकते हैं उसकी चेस्ट को ताकि पानी बाहर आ जाए, और कॉटन से आप उसको पोंछ दीजिए। उसके बाद आपको उसके बर्थ कॉर्ड को क्लिक क्लैंप से, अगर आपके पास क्लैंप नहीं है तो आप एक प्रॉपर धागे से भी उसके कॉर्ड को बांध कर कैंची या ब्लेड से उसको काट सकते हैं। और प्लेसेंटा को अलग रख दीजिए फीमेल से। बच्चे को थोड़ी देर फीमेल के पास रखने दीजिए और बच्चे को आपको साफ करके रख लेना है। और सिंपली बच्चे को आपको साफ करते रहना है जब तक वो सूख ना जाए। उसको प्रॉपर आप अच्छे से साफ कर लीजिए, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। आप बच्चा साफ करने के लिए कॉटन या कॉटन क्लॉथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके लिए सफिशेंट हो, जो आपके पास उस समय उपस्थित हो। बच्चे को साफ करने के बाद उसको आप मदर के पास इमीडिएटली नहीं छोड़ें। आप उसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स या बकेट में कुछ न्यूज़पेपर्स के कटिंग करके उसमें रख दीजिए। न्यूज़पेपर्स से क्या फ़ायदा होगा, आप जैसे पपी को अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होगा तो न्यूज़पेपर के अंदर चले जाके वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है अगर उसको ठंड लग रही है। और अगर उसे गर्मी लगती है तो वो न्यूज़पेपर से बाहर आके अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। इन केस इस समय तो थोड़ी थोड़ी सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो बच्चा मैंने रूम हीटर के सामने रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको प्रॉपर एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। और जब आप बच्चे को साफ़ कर लें और उसको साफ़ करने के बाद आपको बच्चे को थोड़ा सा शहद, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं, उसके फीडिंग करा देनी है शहद की थोड़ी सी। इससे क्या होगा, बच्चा जब तक मॉम डिलीवर करेगी आगे के बच्चे, तब तक वो शांत बना रहेगा। और कुछ लोगों का सवाल रहता है कि बिना मदर, मतलब मदर फीडिंग के बिना बच्चा
को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती बच्चे को, तो भाई 2 से 2.5 घंटे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर उसे मदर मिल्क ना मिले, बस उसको टम्परेचर उसका मेंटेन रहे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और इमीडिएटली आपको बच्चे को मदर के पास नहीं रखना है, क्योंकि मदर अपने स्ट्रेस में रहती है, हो सकता है वो बच्चे को अपने दबा दे। जब सारे बच्चे हो जाएं तब आप अपने बच्चों की फीडिंग कराएं। आप जिस भी जगह पे अपने बच्चे रखें उसको प्रॉपर हाइजीन और उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखें, आप क्लॉथ का और रूम हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। आपको फीमेल के साथ डिलीवरी के लास्ट दिनों में फीमेल को अकेला नहीं छोड़ना है। कहने का मतलब ये है, जैसे ही फीमेल आपकी 59 डेज या 60 डेज क्रॉस कर दे, आपको जागते रहना है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये दूसरा पपी अभी डिलीवर कर रही है। आप हेल्प कैसे कर सकते हैं, आप उसकी वुल्वा को सिंपली थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर पुश कर दीजिए ताकि उसको बच्चे डिलीवर करने में आसानी रहे, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। और बच्चे को पकड़ के भी आप बाहर निकाल सकते हैं पुल करके, इस तरह आप फीमेल की अपनी हेल्प कर सकते हैं डिलीवरी में। सिंपली आपको जैसे ही बच्चा बाहर आ जाए सबसे पहले उसका सैक खोलना है और बच्चे के मुंह को और इंटायर बॉडी को, नाक को अच्छे से रफ कर देना है, अच्छे से साफ कर देना है, और फिर से आप उसमें क्लैंप, उसके बर्थ कॉर्ड में क्लैंप या धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं और काट के फिर से सारा प्रोसेस वही करना है। आप बच्चे को प्रॉपर तरीके से अच्छे से साफ कर दीजिए, जो भी मॉइस्चर उसके ऊपर है उसको आप साफ कर दीजिए और बाकी बच्चों के साथ छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, जब बच्चे को आप अच्छे से साफ कर लें तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। आपको सिंपली 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ देम आपको मस्टर्ड ऑयल या बीटाडीन, अगर बीटाडीन आपके पास है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और हनी का। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं, बच्चे जैसे ही आवाज़ करने लगे भूख से तो आप उनको शहद दे सकते हैं, इससे वो चुप हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। 2 घंटे तक आप अगर फीडिंग नहीं भी करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे में, बस उनका रूम टेम्परेचर मेंटेन हो। उसके बाद आपको कॉर्ड आपने काटी है उस पर सिंपली बीटाडीन लिक्विड या फिर मस्टर्ड ऑयल, अगर आप बीटाडीन आपके पास नहीं है तो आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि पपीज़ में अगर इन्फेक्शन होता है तो सिंपली वो बर्थ कॉर्ड से ही अंदर जाता है, इसी की वजह से बच्चे काफ़ी मर भी जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से। आपको फीमेल के पास बैठ के उसको स्ट्रेस फ्री रखना है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा आपको खेलना है, आप उसकी इसे हेल्प भी कर सकते हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं फीमेल फिर से जोर लगाने लगी है। इन केस अगर आपकी फीमेल थक गई है तो आप उसे पानी में ग्लूकोन डी इंस्टेंट एनर्जी के लिए दे सकते हैं, अगर उसके पेट में ज़्यादा बच्चे हैं और वो थक चुकी है और आपको लग रहा है बच्चे हैं तो आप इंस्टेंट एनर्जी के लिए उसको ग्लूकोज दे सकते हैं पानी में। अभी सर्दियों के दिन है इसलिए मैं इस समय प्रेफर नहीं करूँगा कि आप उसको ग्लूकोज दें। और अगर सुबह हो रहा है या दोपहर में बच्चे हो रहे हैं, टेम्परेचर है उस समय 27-28 डिग्री टेम्परेचर है आउटडोर का, तो आप उसे ग्लूकोन डी दे सकते हैं। रात के समय में आप उसे ग्लूकोन डी मत दीजिए, आप प्रॉपर रेस्ट करने दीजिए फीमेल को, फोर्स मत करिए किसी भी चीज़ के लिए। अभी इस क्लिप में आपको बताएंगे कि आप
क्लिक क्लैंप को दूसरे पपी पे कैसे लगा सकते हैं। अगर जैसे आपने पहले पपी को अपने क्लिक क्लैंप लगाया है, आपने मैंने क्लिप में दिखाया था कि कैसे लगाते हैं, अब मैं दिखाऊंगा कि आपको क्लिक क्लैंप हटाना कैसे बच्चे पे, दूसरे बच्चे पे लगाने के लिए आपको सिंपली कैंची ले लेनी है और क्लैंप के हेड पे थोड़ी सी जगह रहती है, स्पेस रहता है, आपको उस स्पेस में कैंची इंजेक्ट करके कैंची को प्रॉपर क्लॉकवाइज घुमा देना जिससे क्लैंप खुल जाएगा। अब ये क्लैंप आप दूसरे पपी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलीवरी के समय आपके पास 3 से 4 क्लैंप है तो सफिशेंट है, आप 1 घंटे बाद क्लैंप को हटा भी सकते हैं। इस क्लिप में देख सकते हैं फीमेल फिर से मेरे जोर लगा रही है। पपीज को आपको अच्छे से साफ कर लेना है, स्पेशली उनके नोज और माउथ को, ताकि वो पानी ना पी सके, पानी उनके अंदर ना चला जाए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूबॉर्न पपी को कैसे फीडिंग करना है इस टॉपिक पे बात करेंगे, और कितनी कितनी देर में आपको न्यूबॉर्न पपी की फीडिंग करानी है, इन सारी क्वेरीज का जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। डॉग्स केयरिंग ब्रीडिंग से रिलेटेड ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।